है एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगलिंग दिस चैनल। तो गाइस हमारे यहाँ आज बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम में मैगी तो बनता है। चलिए मैगी बना लेते हैं। बस बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म चीज़ कोई पकड़ा मैगी गुगली वगैरह हो जाए तो और भी अच्छा होता है। सुबह मैगी खाते मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। मैगी खाने तुम्हें हाँ मैगी खाने हो मैगी खाने हो मीठी खाने की मैगी खाने मीठी खाने मैगी खाने हो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने टमेटो प्याज लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा काट लिया है और मैगी हमारा यहाँ तैयार है। तो अभी हम इसको बनाएंगे तो इतना में हो जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पैन गरम हो गया है, तेल भी डाल दिया है, तो प्याज लहसुन ग्रीन चिल्ली सब डाल देंगे। जब लहसुन अदरक प्याज और ग्रीन चिल्ली डाल के भुनाई करते हैं तब एक स्मेल आता है, उसका स्मेल मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। उसका सेंट सुनते ही खाने का मन करता है। तो मैंने साइड में भी गर्म पानी भी कर लिया है, गर्म पानी होने से जल्दी से मैगी रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। कटे हुए टमेटो ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे मैगी मसाला। मैगी में तो एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना पड़ता है, यही मसाला डाल देने से हो जाएगा। तो टमेटो भी हमारा गलने लगा है। तो अंडा भी मैं इसी के ऊपर डाल दूंगी। आज मैंने एक्स्ट्रा फ्राई नहीं किया अंडा को, तो आज इसी तरीके से बनाऊंगी। इसके बाद ऐड कर दूंगी नमक। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। तो अभी ऐड कर दूंगी पानी, थोड़ा झोल झोल बनाऊंगी। तो आज अर्श भी थोड़ा लेट में उठा है तो उसको भी नाश्ता नहीं दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती हूँ।
और इसका नाश्ता भी रेडी हो गया है। तो यहाँ हमारा मैगी भी बन के रेडी है, देखिए। तो सबके लिए अभी भाग लगाऊंगी। बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा धुआं निकल रहा है। तो मैगी तो हमेशा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है खाने में, है कि नहीं, बोलिए दोस्तों। तो मेरा मैगी खा के हो गया, तो मैं अभी अपने बेडरूम में आ गई हूँ, क्योंकि आज अर्श थोड़ा लेट उठा था तो बेड वगैरह नहीं मिलाया था, तो अभी वही मिला रही हूँ मैं। तो ये जो पिल्लू देख रहे हैं आप लोग, तो इसका कवर नहीं है, इसका कवर को धुलाई कर दिया है, तो ये पिल्लू कवर लगा दिया इसी में, ये दूसरा बेड कवर का है। तो ये छोटा सा कंबल है, तो उसको मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि असम में सितंबर महीने से थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, तो रात में अर्श को उड़ाने के लिए रखा था, तो वही अभी मिला रही हूँ। और बेड का साइड में जो विंडोज है उसको मैं हमेशा क्लोज करके रखती हूँ, क्योंकि खुला रहने से अर्श झाँकता है तो कभी गिर जाएगा, तो इसलिए मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।